तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह का म्यूजिक बजा करके दोस्तों, ये कैसे इस तरह का म्यूजिक बजाया जाता है, कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो आज मैं आपको आर्गन से बजा के दिखाऊंगा दोस्तों, भी अपने मोबाइल से दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह का म्यूजिक बजाना दोस्तों, अगर आपको नहीं आता बजाना दोस्तों, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बजा करके म्यूजिक बताऊंगा दोस्तों, उसके बारे में वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे वो म्यूजिक बजाया जाए दोस्तों। दोस्तों चलिए मैं आपको आज बताता हूँ म्यूजिक बजा करके दोस्तों कैसे बजाया जाए दोस्तों आर्गन से। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी लाइक का बटन दबाइए दोस्तों। और दोस्तों हाँ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों कि मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। चलिए सर मैं आपको बताता हूँ आर्गन कैसे बजाया जाए दोस्तों अभी अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी म्यूजिक बजाने के लिए सबसे पहले ना हमें एक आर्गन जो है अपना अपने प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर चाहिए इसी तरह का, अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्गन लोडिंग करूं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जो आर्गन होता है मैं अपने दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप लोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसको बजाया कैसे जाए, मैं आज एक भोजपुरी सॉन्ग जो आप सुने होंगे अंकुश राजा का जो सॉन्ग आया हुआ है कि हमके दूल्हीन बना लेना था दोसर लेके जाए, आज उसका मैं धुन बजा के आपको सुनाने वाला दोस्तों। अभी बस बेस्ट म्यूजिक दोस्तों, जो आप कभी सर सोचे भी नहीं होंगे कि हाँ अपने मोबाइल से मैं ऐसा म्यूजिक बजा पाऊंगा। तो दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे बजाना है दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को देखिएगा दोस्तों और समझिएगा कि मैं कैसे इसको बजाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में जो चार अक्षर यहाँ जो दिखा हुआ, देखिए आप पेन का है और आदमी का, इंसान का चित्र, एक पेन का चित्र है, एक म्यूजिक का है, कैसा है देखिए आप चारों देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसे मैं ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये सब है, ये चारों जो है दोस्तों। तो इसको क्या है, ये जो चारों जो आप चारों को जो समझते हैं, यहाँ देखिए क्या है, ये मैं धुन बजाने वाला दोस्तों। यहाँ देखिए देखिए आप देखिएगा दोस्तों, अभी दो नंबर पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तब देखिए दोस्तों तीसरा पे आते हैं, ठीक है, देख लीजिए चौथा पे आते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, ये इसका मतलब क्या हुआ, धुन चेंज करना, ठीक है दोस्तों। ये हो गया धुन चेंज करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ से आपको जैसा भी मतलब कोई भी सॉन्ग जाने के लिए हमें चारों धुन में जरूरी पड़ता है दोस्तों, हमें चारों धुन यहाँ से सेट करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ से हमें सेट करना है, हमें चारों धुन को सेट करना, ठीक है। यहाँ से आपका मैं पहला स्टेप दिखाया हूँ दोस्तों। अब दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आप एफ चालू करोगे दोस्तों तो आपको बहुत सारे सेटिंग आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं यहाँ सेटिंग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ सेटिंग में आप जाकर के यहाँ से सेटिंग कर लीजिएगा, जैसे कि मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बताना बताने का टाइम तो नहीं दूंगा दोस्तों, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप देख सकते हैं मैं कौन कौन सा लेवल किया हूँ, वैसा वीडियो में भगा करके देख लीजिएगा, वैसे ही लेवल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद में जाइएगा कीबोर्ड में, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड में जाकर देखिए जो जो मैं इनेबल किया हूँ आपको मैं भगा कर दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा, जो नहीं किया वो नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके हमको आना है कनेक्टिंग में, ठीक है दोस्तों। यहाँ कनेक्टिंग में देख लेना जो जो मैं इनेबल किया हूँ कर लीजिएगा, नहीं किया हूँ नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ कंट्रोल में आना दोस्तों, यहाँ से कंट्रोल में भी आपको देख लेना है कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ में जो भी मैं अगर जिसमें भी सेटिंग किया आप वहाँ से देख सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ ज़्यादा बताने के टाइम नहीं मेरे पास, अगर ज़्यादा बताऊँगा तो नया लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप जो भी आपको करना होगा कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आने का, इसमें जो भी इन लेवल में किया हूँ आप यहाँ देखिए लॉब लैब टेम्पो जो है वहाँ से अभी लेवल कर लीजिएगा। उसके बाद माइक्रो रिकॉर्डिंग में आना दोस्तों, माइक्रो रिकॉर्डिंग में जहाँ इन लेवल किया हुआ कर लीजिएगा, नहीं किया हुआ नहीं कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ साउंड में आना है, साउंड में आकर आप देख सकते हैं जहाँ जो भी सेटिंग किया है दोस्तों, मैं बता दिया हूँ, समय भगा करके बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, बैक कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से सेटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद बैक कर लीजिएगा। बैक करने का दोस्तों क्या, यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम जो होता है ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है, 150 कर लीजिएगा, मैं भी 150 कर लिया हूँ। उसके बाद हमें क्या करना, यहाँ से भी कुछ भी नहीं छेड़ना, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ हो गया मेरा सेटिंग्स ओके हो गया। यहाँ देखिए यहाँ जो पैड जो होता है दोस्तों, यहाँ से मैं पैड हो गया, तो ये पैड हो गया दोस्तों। देखिए एक ही आर्गन में कितना चीज़ है दोस्तों, चार इधर हो गया एक पाँच, मतलब पूरा म्यूजिक अपना एक ही आर्गन में और कि मोबाइल में ऐप में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसको बजाना है तो कैसे बजाएंगे दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों। प्लीज़ आप कहीं जाइएगा नहीं और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ बताता हूँ। हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी तरह का म्यूजिक अगर आपको नहीं आता बजाना, आप चाहते हैं कि मैं इस म्यूजिक को बजाऊँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसे म्यूजिक कैसे बजाया जाता। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो बना करके उस म्यूजिक का आपके पास लाऊँ दोस्तों और दिखाऊँ कि हाँ देखिए ऐसा म्यूजिक कैसा बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तभी मैं शुरू करता हूँ कि हम के दूल्हिन बना ला न ता दसर लेके जाई, इसका म्यूजिक बजा करके, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए कैसे बजाता हूँ, पहले हमें फर्स्ट में जाना है, यहाँ से पहले तो पैड का जरूरी है दोस्तों, यहाँ से पैड आप उन्हें स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं पैड स्टार्ट कर लूँगा, उसके बाद में बजाऊँगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से आर्गन हो गया, ये आर्गन हो गया दोस्तों, यहाँ से पैड, ठीक है, ये पैड हो गया।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सेटिंग करके रखा था, जो भी मैं जैसा म्यूजिक में बजाना है उस म्यूजिक के हिसाब से मैं इसको सेटिंग करके रखा था, ऊपर नीचे ऑटोमेटिक हो रहा था दोस्तों। जो कि जो मैं सेटिंग किया आप वहाँ पे सेटिंग कर लीजिएगा, वैसे सेटिंग कीजिएगा दोस्तों तो आपको भी ऐसा ही हो जाएगा ऑटोमेटिक म्यूजिक। जो म्यूजिक के हिसाब से होता है वहाँ म्यूजिक स्केल बना लीजिएगा दोस्तों, उस म्यूजिक के हिसाब से स्केल अलापे को उठा लीजिएगा दोस्तों, तो वहाँ से वो म्यूजिक बजने लगेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो भी आप म्यूजिक चाहेंगे वो बजा सकते हैं। तो इस तरह से आप बजा सकते हैं दोस्तों। अभी सेट करना दोस्तों, सेट कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आप म्यूजिक बना लिए हैं दोस्तों बजा सकते हैं, तो यहाँ से मैं सेट कर दूंगा। देखिए तो यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम जो म्यूजिक बनाएंगे वहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें जाकर सेटिंग में सेट कर सकते हैं, जैसे भी अगर फाइल में चाहिए फाइल में, अगर फोन में चाहिए फोन में सेव कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।